संभल जिले के चंदौसी में स्कूल संचालकों की मनमानी से अभिभावकों में काफी गुस्सा है। शिक्षा के नाम पर दुकान चलाने वाले स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल रखा है। कुछ दिन पूर्व भी अभिभावकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से खत लिखकर शिक्षा के नाम पर अवैध वसूली करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद स्कूल संचालकों में खलबली तो मची, लेकिन फिर भी अवैध वसूली बंद नहीं हुई। सोमवार को शहर के फव्वारा चौक पर स्कूल संचालकों के खिलाफ अभिभावकों ने दुकानों पर पहुंचकर भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालक गरीब मजदूर अभिभावकों की जेब काट रहे हैं। स्कूल के प्रबंधकों के लिए उन्होंने भिक्षा मांगकर पैसा इकट्ठा किया और कहा कि यह भिक्षा स्कूल प्रबंधकों को दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी है, हम दे नहीं सकते, इसलिए आज हमने भीख मांगकर रुपया इकट्ठा करा ताकि उनको हम फीस दे सकें। आज जो आपने थाली लेकर दुकानों पर जाके जो पैसा इकट्ठा किया है, भीख मांगी है, वो क्यों आपने ऐसा क्यों किया है? वो इसलिए किया कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके पैसा का मोह उन्हें अधिक हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नज़र आती है और बच्चों पर वो इसलिए उत्तीर्ण भी कर रहे हैं एनुअल फीस लेकर, तो वो एनुअल फीस की पूर्ति के लिए आए हमने भीख मांगकर, उनकी भूख पूरा करने के लिए आए हमने भीख मांगा। 572 रुपये इकट्ठे करे हैं, इसका ड्राफ्ट बनवा के बाकायदा HM साहब को दिया जाएगा और वो ड्राफ्ट स्कूल संचालकों को दिया जाएगा HM साहब के द्वारा। हमारा लगातार आंदोलन जारी है स्कूलों के खिलाफ, री एडमिशन जो फीस ले रहे हैं वो, और आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। आज हमने भीख मांगकर नया तरीका अपनाया है जिनसे उनकी भूख मिटाई जा सके।